शख्सियतों को कि वो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम करने के बाद हमें इजाजत दें कि हम कार्यक्रम का आगाज करें। निवेदन करती हूँ मंच पर उपस्थित हमारे वो मौका गवा गए, उनके मन में भी था कि हमें श्रद्धांजलि अपनी प्रेम श्रद्धा और साहस के प्रतीक उस पुंज को अर्पित करनी है, तो आज वो चलना सिखाते हैं। संघर्ष रथ मैं रमा महाजन, फाउंडर मेंबर एक प्रयास एनजीओ। आज हम अपना फाउंडर डे मना रहे हैं। हमने आज से कम 14 साल पहले ये संस्था शुरू की थी, और तब तो ये एक मन में विचार था कि आम लेडीज़ जो होती हैं उनके पास 3 बजे से लेकर 5 बजे तक फ्री टाइम होता है, जो टाइम वो किटीज़ वगैरह में और इस तरह बिताती हैं, उनको समाज सेवा की तरफ प्रेरित किया जाए। इसके लिए हमने काफ़ी सेमिनार्स भी लगाए और छोटे छोटे काम किए जिससे वो महिलाएं इस तरफ आकर्षित हों। आज आप देख रहे हो काफ़ी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी हैं, और ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशंस हैं। कुछ होम मेकर्स हैं, कुछ प्रोफेशनल्स हैं, कुछ एडवोकेट्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। सब मिलकर एक ही प्रयास है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो और वो एक मुकाम पर पहुँचे जहाँ पर उन्हें किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, पर वो ऐसा मुकाम हो कि वो सबकी मदद करें, कोई ऐसा अनुचित फ़ायदा ना उठाएं इससे। 14 साल हो गए आपको एनजीओ चलाते हुए, आपने कौन सा कार्य किया? हमने यहाँ पे एक तो किया है कि प्री मैरिज काउंसलिंग का किया है, कि आमतौर पे पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, मामा चाचा सब इकट्ठे रहते थे और बच्चों को समझाया जाता था कि दूसरे घर में जाके कैसे रहा जाता है या आपस में कैसे रहा जाता है, पर अब ये सिस्टम ख़त्म हो रहा है। तो किसी संस्था को आगे आना पड़ना था कि लड़कों और लड़कियों को दोनों को समझाया जाए कि जो ये डाइवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं वो मिनिमम हो, और उनको पता हो कि ये एक सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनकी इंजॉयमेंट भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है शादी के बाद। इसके अलावा हमारे ये एक हमने सांझा बेड़ा शुरू किया है जिसमें हमने बुज़ुर्गों को दिन सेलिब्रेट, मतलब डे केयर सेंटर है ये, कि दिन में वो रहते हैं रात में अपने परिवार में चले जाते हैं, क्योंकि हम वृद्ध आश्रम के अगेंस्ट हैं कि जहाँ पर वृद्धों को रखा जाता है पूरा दिन और वहीं पे रहते हैं। इससे ये होता है कि उनका दिन भी स्पेंड हो जाता है, वो अपने आपस में एक बात भी कर सकते हैं, उनका माहौल भी घर जैसा मिल जाता है। उनके लिए प्रोजेक्ट है वो जो किसी में दक्ष होती हैं, जैसे किसी में उनका पता होता है, जैसे पापड़ वड़ियाँ बना लेती हैं, इस तरह की चीज़ें बना लेती हैं, अचार वगैरह बनाते हैं, वो हमने सेल पॉइंट रखा है, वहाँ से वो सेल करते हैं। मैसेज यही देना चाहते हैं कि आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं महिलाओं के आगे आने के लिए, पर उसका दुरुपयोग ना करें, उसका सदुपयोग करें और संसार को अच्छा बनाएं जहाँ पे ये लिवेबल स्थान हो। कोरोना के कारण बहुत चीज़ें हमने सीखी हैं कि एक दूसरे की मदद करना, तो हर एक को चाहिए कि एक दूसरे की मदद करें। एनजीओ एक प्रयास, मैं सचिव डॉक्टर रजनी डोगरा। आज हमने बसंत पंचमी उत्सव का सेलिब्रेट किया, ये हमारा फाउंडेशन डे भी है, इसलिए इसका महत्व हमारे लिए और भी ज़्यादा है। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से हमारा आज का कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। हमारे 3 जो मेन इस वक्त प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, प्री मैरिज काउंसलिंग सेल, डे केयर सेंटर, वॉल ऑफ डिग्निटी, उन सब के बारे में लोगों को डिटेल में बताया, और आने वाले समय में भी हमारी संस्था समाज में नारी के सशक्तिकरण के लिए युवाओं और पीड़ित और जो वंचित वर्ग है उनके लिए सदस्य कार्य करती रही है, और हम अपने इन प्रोजेक्ट्स को आगे भी बल देते हुए अपने नन्हे नन्हे कदमों से इन प्रयासों को जारी रखेंगे और निरंतर प्रक्रिया के साथ अपने मिशन को पूरा करेंगे। बहुत धन्यवाद। इसके लिए गवर्नमेंट को आप या प्रशासन को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
रेप केसेस के लिए जितनी जिम्मेवारी सरकार की है, मैं चाहूँगी हमारी जो संस्थाएं हैं वो उसमें बड़ा अहम रोल प्ले कर सकती हैं। अगर हम लड़कियों को सशक्त करते हैं, मार्शल आर्ट्स के गुण स्कूल लेवल से बच्चों को सिखाए जाएं, लड़कों को ही क्यों, लड़कियों को भी सिखाए जाएं, इस दिशा में हमारे प्रयास निरंतर चल रहे हैं। समाज को हमारा यही मैसेज है कि नारी की शोभा संयम, सौहार्द, प्रेम, करुणा और साहस उसकी पर्सनैलिटी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। साहस के साथ वो अपने आप को डगमगाने ना दे, समाज के साथ अपनी भूमिका समझे और अपने कर्तव्यों का अच्छे से वहन करे। और समाज के लोगों से भी अपील करती हूँ कि वो इन नेक कार्यों में जुड़ें, हमारा साथ दें।